सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्यारसपुर तहसील प्रांगण में दशहरे एवं झांकियों के चल समारोह में दूर दराज से ट्राली में भरकर क्षेत्र से ग्रामीण आते हैं और ग्यारसपुर के दशहरे की चर्चाएं पूरे विदिशा जिले में चलती है। रामलीला का मंचन बहुत ही शानदार तरीके से ग्यारसपुर के रामलीला के कलाकारों के द्वारा किया जाता है। इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए और राम रावण के घमासान युद्ध को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ जाता है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की विधायक श्रीमती लीना संजय जैन उपस्थित रहे। सर्वप्रथम उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इसके उपरांत ग्यारसपुर के श्री श्री 1008 त्यागी जी महाराज के साथ माता रानी का पूजन एवं माल्यार्पण किया। इसके बाद राम दरबार में पहुंचकर रामलीला कर रहे कलाकारों का माला पहनाकर सम्मान किया एवं रावण दरबार में पहुंचकर रावण एवं कुंभकर्ण मेघनाथ का पात्र निभा रहे कलाकारों का भी स्वागत किया। रामलीला के अंत में राम ने रावण का वध करते हुए अग्नि बाण छोड़कर 25 फीट के रावण का संहार किया। विजयादशमी के पर्व पर असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं पूरे हमारे ग्यारसपुर के सभी साथियों को, ग्रामवासियों को और सभी क्षेत्रवासियों को भगवान श्री राम के आज लंका जीतने के उपलक्ष्य में और देवी माता की आराधना के जो 9 दिन खुशी पूर्वक बीते आज उस कार्यक्रम की सभी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। दूसरे कि भगवान श्री राम की जब लंका की विजय हुई शुभ सूचना को पाकर पूरे देश में पूरे भारत क्षेत्र में हर्षोल्लास हुआ था। उसी उपलक्ष्य में विजयादशमी का ये पर्व मनाया जाता है और इस विजय उत्सव को हम भी अपने ग्यारसपुर में भी बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं और इसी के लिए हमने ग्यारसपुर जैसी छोटी जगह में यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रामलीला का जो बरसों से एक कार्यक्रम चला आ रहा है उस परंपरा को कायम रखते हुए ग्यारसपुर में रामलीला का मंचन होता है और इसके लिए हमारे दुर्गा चौक की जो रामलीला मंडली है बहुत पुराने पुराने कलाकार हैं उन सभी कलाकार अभी यहाँ पर ये दशहरा मैदान हमने तहसील ग्राउंड में तय किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।